नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। देश में जिस खेल को धर्म कहा जाता है और जिस धर्म के सबसे बड़े खिलाड़ी को भगवान कहा जाता है, आज हम उसी के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं कि राजनीतिक लोग कैसे अपने स्वार्थ के लिए किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का, देश जिसको आइडियल समझता है और देश के लिए उपयोगी व्यक्ति का भी शिकार कैसे करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे पीछे देखिए, यह है कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उसके सामने हैं आपके हमारे दुनिया के सबके प्यारे सचिन तेंदुलकर। सोनिया गांधी ने सचिन तेंदुलकर को अपने घर पे बुलाया 100 शतकों का शतक पूरा करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। आईपीएल के अध्यक्ष, कांग्रेस के मंत्री राजीव शुक्ला उनको सोनिया गांधी के पास लेके गए ये बताकर कि आपको अभिनंदन करने के लिए सोनिया जी बुला रही है। सचिन भी सोनिया के पास गए, लेकिन वहां जाने के बाद सोनिया गांधी ने ऐसा बॉल डाला जिस पर दुनिया के हर बॉलर को छक्का छुड़वाने वाले सचिन तेंदुलकर खुद बोल्ड हो गए। जी हां, आप बात समझ रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति को जो कि देश के लिए अभी भी उपयोगी है, मैदान में खेल रहा है, उसके लिए भारत रत्न मांगने वाले देश के सामने कांग्रेस ने, उसके अध्यक्ष ने एक राज्यसभा, 700 750 राज्य लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर एमपी होते हैं, 750 में से एक बना दिया। क्या आप सचिन से इसलिए प्यार करते हैं कि वो राज्यसभा में आएगा? क्या आप सचिन से इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा? आप सचिन से क्रिकेट के लिए प्यार करते हैं, उस क्रिकेट में उसको बड़ा बनाने का काम करने के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने सचिन को इस्तेमाल किया है, क्या है इस पर आपका कहना? आप जरूर बोलिए, क्योंकि ये बात केवल सचिन की ना होकर देश के लिए सर्वोपरि सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार होने वाले खिलाड़ियों के राजनीतिक इस्तेमाल की है। आइए, आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। लगातार एक के बाद एक चुनावी पराजय और मतदाताओं का भंग होता कांग्रेस के प्रति मन, कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2014 में होने वाले सत्ता के फाइनल में हार का डर सताने लगा है। और कुछ दिन पहले हुए एमसीडी चुनावों में तो उसको रेड सिग्नल ही दे दिया। पिछले कुछ समय में कांग्रेस की घटती लोकप्रियता और सचिन की बढ़ती लोकप्रियता ने चालाक नेताओं को, इस सीधे साधे इंसान को भी राजनीति में घसीटने की कोशिश की है। राज्यवार चुनाव खत्म हुए, परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद नकारात्मक रहे। वहीं कांग्रेस के दम्भी नेता ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी पार्टी का जनाधार गिर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस को भी एहसास होने लगा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो राहुल को 2014 में होने वाले इंडिया कप का कप्तान तो बनाया जा सकता है, लेकिन विजेता नहीं। वहीं मैदान के अंदर प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को मैदान के बाहर पूरे देश में चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके गुणगान हमेशा ही गाए जाते रहे हैं। कांग्रेस में नेता तो बड़े हैं, लेकिन अधिकतर दागदार। अब सवाल ये है कि किसको जनता के बीच लाया जाए। रही बात राहुल गांधी की, तो यूपी समेत हुए 5 राज्यों के चुनाव और अपने गढ़ दिल्ली में जनता के नकारे जाने से ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है। अब कांग्रेस की डूबती नैया को कौन बचाकर किनारे पहुंचाएगा? बेशक सचिन को राज्यसभा में भेजना देश के लिए सम्मान की बात हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस अन्ना के मुहिम और शिवसेना के बीएमसी के जीत से बेहद ही डरी हुई है। सवाल ये उठता है कि अन्ना और ठाकरे को कांग्रेस रोके तो रोके कैसे? क्यों ना महाराष्ट्र मानो सचिन को ही मोहरा बनाकर रोका जाए? देश में लोगों की नाराजगी कम होगी और आगामी चुनाव में युवाओं को अपनी ओर सचिन के बहाने आकर्षित किया जा सकेगा, क्योंकि कांग्रेस के युवा सरताज कहे जाने वाले नेता को जनता तमाचा पहले ही लगा चुकी है। कांग्रेस सचिन की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। क्या सचिन को कांग्रेस ने मोहरा बनाया है? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। बिंदास बोल में हमने एक सवाल पिछले दिनों पूछा था कि क्या राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को क्रीड़ा क्षेत्र के संघों के अध्यक्ष बनाना चाहिए। तब हमने एक तर्क दिया था और वो तर्क अब सचिन के मामले में बिल्कुल फिट बैठता है। राजनीतिक लोग अगर खेल के महासंघों के अध्यक्ष बनेंगे तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए खिलाड़ियों का दुरुपयोग करेंगे, ये तब हमने कारणों में कहा था, परिणामों में कहा था, और यही सचिन के बारे में हुआ है। शरद पवार अध्यक्ष है और राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के करीबी है, कांग्रेस सोनिया गांधी के करीबी है और कांग्रेस के मंत्री है, आईपीएल के अध्यक्ष है, इन्होंने अपना दाव सचिन के ऊपर खेला। कहीं ये सचिन को
भारत रत्न के लिए ब्लैकमेलिंग है? यह सवाल पूछ रहे राजीव रंजन हरदोई से। इसके साथ हमारे पास और भी कई एसएमएस है, हम वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन जैसे कि बिंदास बोल में आप हमेशा कॉल करके अपनी बेखौफ बात को कहते हैं, आज भी कहिए। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, मैं केबी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ साहब। बोलिए। ये सचिन जी जितना बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं, राजनीति की पिच पर आकर वो उनको बोल्ड तो कर ही दिया गया है हमारी समझ में, और अब उनको बोल्ड करके उन्हें जो है बिठाने की कोशिश की जा रही है कि वो आप आकर के बस अब स्टेडियम में बैठे रहे और देखते रहे खेल, राज्यसभा का मेंबर बना करके उनसे भारत रत्न की तो जो सिफारिश की गई थी महाराष्ट्र सरकार ने भी की थी सिफारिश, तो उसे तो अभी बस्ते में है वो, और उसके लिए एक लॉलीपॉप का डाल दिया गया है कि आप आइए और हमारी राजनीति में शामिल होइए, और ज्यादातर आप कांग्रेस की तरफ से अपने पैरवी करें कांग्रेस पार्टी की। ये एक राजनीतिक मोहरा बना करके, और उसमें नियमावली में तो परिवर्तन किया गया, भारत रत्न की नियमावली में तो परिवर्तन किया गया, लेकिन धन्यवाद। ये कांग्रेस ने मोहरा बनाने की बात हमारे पहले कॉलर कह रहे हैं, प्रदीप पांडे बरेली से एसएमएस करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी से कई हजार गुना बड़ी लोकप्रियता है सचिन तेंदुलकर की, उसको भुनाने का ये प्रयोग है, क्योंकि राहुल की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में खोखला साबित हुई है। बरेली से पांडे एसएमएस कर रहे। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, बोलिए सर। मैं जय सोनी। हाँ सर, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को भगवान की पदवी देना ही मैं समझता हूँ गलत है। कि आज कहा जाता है टीवी चैनलों पर या कहीं भी अगर बात होती तो सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। हाँ। तो सरकार हमारी जो कांग्रेस पार्टी है अब भगवान को चोरों के बीच में क्यों लेके जाना चाह रहे हैं, जब भी डूबती नहीं है वो पार लगाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन लेकिन इसका कांग्रेस को तो फायदा होगा, सचिन को जो नुकसान होगा उसका क्या होगा? सचिन का नुकसान है, आज से आप जितने भी पहले देख लिए, बहुत से आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत से फिल्म स्टार राजनीति में कूदे हैं, तो उनको बाद में वो अपनी फिल्मों से भी, चाहे अमिताभ बच्चन जी ले लीजिए सुपरस्टार थे जब वो अपना राजीव जी के साथ राजनीति में कूदे थे, उसके बाद 10 साल के लिए 10-12 साल के लिए अमिताभ बच्चन जी को किसी ने पूछा नहीं था, राजेश खन्ना जी थे सुपरस्टार थे राजनीति में कूदे, आज उनको कोई पूछता नहीं है, वो रहा तो राजनीति के ही रहे, ये होता है धोखी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बिल्कुल धन्यवाद। कई प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है और कई हम दोबारा आपको ये बताना चाहते हैं कुछ प्रतिक्रियाओं के आधार पर कि हम सचिन के बड़प्पन को कहीं पर भी कम नहीं कर रहे, हम सचिन की महानता को नहीं नकार रहे, सचिन महान है, क्रिकेट में महान है और वहाँ पर वो है, इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन आशा भोसले ने क्या कहा है वो भी हम आपके सामने दिखाएंगे, साथ साथ में और भी कई प्रतिक्रिया देश के राजनीति की आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक एसएमएस यहाँ पर आया है उसको लेते हैं। एसएमएस मुंबई से है और वो कहते हैं कि मैं सचिन का फैन हूँ पर व्यक्तिगत जानकार हूँ, सचिन को सोनिया गांधी के भेंट के दौरान ही अचानक ये ऑफर किया गया, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। नरेंद्र एसएमएस करें मुंबई से। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सचिन को मोहरा बनाया जा रहा है, कारण देखिए स्क्रीन पे। सचिन की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश, देश विदेश में सचिन की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस की गिरती लोकप्रियता को कम कर सकती है और आगामी चुनावों में इसे भुनाकर चुनावी जंग 2014 जीतने की कोशिश करेगी कांग्रेस। सचिन का सियासी इस्तेमाल करना चाहती है कांग्रेस, संसद में घोटाले से घिरी सरकार विपक्ष के चौतरफा हमले को रोकने के लिए सचिन का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सचिन पक्ष विपक्ष दोनों के ही प्रिय हैं। कांग्रेस का अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करना, एक के बाद एक होते घोटालों ने कांग्रेस की छवि को बेहद ही दागदार बना दिया है, अपनी भ्रष्टाचार की काली छवि को धोने के लिए ही कांग्रेस सचिन के सहारे राजनीति कर रही है। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, राहुल गांधी को युवा वर्ग द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस युवा वर्ग में बेहद लोकप्रिय सचिन तेंदुलकर को अपना राजनीतिक मोहरा बनाना चाह रही है, जिसका फायदा 2014 में होने वाले आम चुनावों में लेना चाह रही है।
महाराष्ट्र में खराब होती पार्टी की स्थिति। महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन हालिया हुए निकाय चुनाव और बीएमसी के चुनाव में जनता के गुस्से का सामना करने वाली और अन्ना के महाराष्ट्र में आंदोलन की चेतावनी के बाद कांग्रेस सचिन को राज्यसभा में भेजकर आम लोगों के गुस्से को कम करना चाहती है। क्या आप इसके साथ उसको कारणों को जोड़ना चाहते हैं तो हमको जरूर बताइए। हम कॉलर के पास चलते हैं। ये बात ठीक है, सचिन को कांग्रेस मोरा बना रही है। हिंदुस्तान की जनता पिछले 65 साल से कांग्रेस के पापों से का दंड भोग रही है और अब वो इससे पेट छुड़ाना चाहती है। कांग्रेस ने अपने तथाकथित युवराज राहुल गांधी को महिमा मंडित करने के लिए करोड़ों रुपए बिकारू मीडिया पर खर्च किए, इसके बावजूद वह उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें स्वीकार नहीं बना पाई। इसलिए अब आगामी महाराष्ट्र विधानसभा व लोकसभा चुनाव में वह सचिन की लोकप्रियता को बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से सचिन को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, पर जनता अब कांग्रेस को देश के लिए अभिशाप समझती है और सचिन की लोकप्रियता भी कांग्रेस के काम आने वाली नहीं। अगर सचिन कांग्रेस की चाल में फंस गए तो वह अपनी लोकप्रियता को गंवा बैठेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और कॉल के पास भी चलेंगे, लेकिन हमारे पास आशा भोसले की बाइट है। देखिए उन्होंने क्या कहा। आशा भोसले जी सचिन की बहुत ही फैन है, बिल्कुल घरेलू संबंध है, और आशा भोसले खुद क्या कहती है देखिए। मेरा नहीं ख्याल है कि जिसका जो काम होता है उसको वो करना चाहिए। जैसे वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसके जैसा वर्ल्ड में कोई नहीं है, उसी में वो डटा रहे तो बहुत अच्छा है। मेरा मुझे ऐसा लगता है। जैसे आप कल कहेंगे कि आशा जी आप राज्यसभा में, मैं कहूँगी नहीं, तो मैं बड़बड़ी हूँ, मैं सच बोल दूंगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो इसीलिए मैं बोलूंगी नहीं, मेरा काम गाना गाना है, खाना पकाना है, इसी में रहने दो। सचिन के बारे में, अब अगर सचिन राज्यसभा में आते हैं तो अगले 6 सालों तक क्या खबरें बनेगी, क्योंकि सचिन राज्यसभा में इतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना राजनीतिक व्यक्ति देता है या किसी सदस्य के लिए देना आवश्यक है। सचिन का अगर अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर देखा जाए क्रिकेट का, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, भारत के अंदर का देखा जाए तो, और उनका जो बिजनेस है, एड कैंपेन है, उसमें जो टाइम देते हैं, परिवार के लिए जो टाइम देते हैं, उसके कैलेंडर को अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में सचिन की बदनामी की ही खबरें आएगी, क्योंकि सचिन राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए यही मीडिया यही खबर बनाएगा कि पूरे अधिवेशन के दौरान सचिन केवल एक दिन के लिए आए या एक दिन भी नहीं आ पाए। कई ऐसी और भी चीजें सचिन के लिए मुसीबतों का सामना करने के लिए खड़ी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर लोकपाल पर क्या भूमिका लेंगे। अगर सचिन तेंदुलकर अन्ना हजारे के लोकपाल के जिस दिन बिल आएगा उस दिन अगर अब्सेंट रहेंगे तो भी वो परेशानी में रहेंगे, उपस्थित रहेंगे तो क्या वो कांग्रेस की भूमिका के विपरीत अपना स्टैंड ले सकते हैं। सचिन के लिए ऐसे कई दिन आएंगे जब उनके लिए कोई भूमिका लेना जरूरी होगा या भूमिका ना लेना भी नुकसानदेह होगा। तब होने वाला सचिन का नुकसान, उसकी लोकप्रियता का नुकसान कौन भरकर निकालेगा। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार, शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है।